आगे अब बात करेंगे मेड इन इंडिया हथियारों की, जिसकी बदौलत अब भारत दुश्मनों को धूल चटाने में और भी सक्षम हो गया है। दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में इन मेड इन इंडिया वेपन्स की, मेड इन इंडिया हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। एक्सपो में तमाम कंपनियों ने अपने IWI हथियारों को प्रदर्शित किया, जिसमें असॉल्ट राइफल, DAN स्नाइपर राइफल्स भी शामिल हैं। इसी के साथ ऐसा व्हीकल भी है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। कल्याणी मैवरिक ATC का ट्रायल इंडियन आर्मी भी दो बार कर चुकी है। ये मेड इन इंडिया हथियार हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि प्रगति मैदान में एक इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो के दौरान प्रदर्शित की गई। चलिए अब आपको सबसे पहले बताते हैं पूरी तरह से मेड इन इंडिया व्हीकल कल्याणी मैवरिक के बारे में। इसकी खासियत ये है कि न सिर्फ दिन में बल्कि रात के अंधेरे में भी ये दुश्मनों को ढेर करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये तस्वीरें कल्याणी मैवरिक की हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। और कल्याणी मैवरिक के अलावा कुछ इजराइल पैटर्न से प्रभावित भारत में तैयार किए गए हथियार भी हैं, जिनमें नाइट विजन उपकरण का इस्तेमाल किया गया है। एक पिस्टल किस तरह से पलक झपकते मशीन गन में बदलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है, देखिए। कल्याणी मैवरिक ATC ये वो व्हीकल्स है जो 50 kg के साइड विस्फोटक को बड़ी आसानी से झेल सकता है। इसके जरिए जवानों को खासतौर पे उस इलाके में जहां पर टेररिस्ट का खतरा ज़्यादा हो, ऐसे इलाकों में जवानों को एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता है। अगर इस पूरी गाड़ी की बात की जाए तो इसमें बाकायदा बताया जा रहा है कि 14 से 15 जवान आसानी से जा सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर जो है स्पेस दिया हुआ है जहाँ पर LMG के साथ एक जवान जो है वो तैनात हो सकता है। गाड़ी के अंदर बाकायदा जगह दी गई है जिसमें जवान अपने हथियारों के साथ आराम से बैठ सकते हैं। और ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से हाईटेक है, ऑटोमेटिक है, AC अंदर है, साथ ही साथ विस्फोटक के मारक को भी झेल सकती है। और जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ, ऐसे में ये गाड़ी जो है वो बेहद कारगर साबित हो सकती है, खासतौर पे ऐसे इलाके में जो काफ़ी संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर जवानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफ़ी खतरा रहता है, इस बात का डर रहता है कि कहीं विस्फोटक के जरिए उन पर हमला न किया जा सके। ऐसी जगह पर ये गाड़ी जो है बेहद कारगर साबित होती है। फिलहाल इसका ट्रायल जो है वो आर्मी कर चुकी है, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की गाड़ी से खासतौर पर जो अटैक है टेररिस्ट अटैक, उससे आसानी से बचा जा सकता है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। आपने कल्याणी मैवरिक की खासियत को देखा इस रिपोर्ट में, और जब इजराइल पैटर्न की गन का जिक्र मैं कर रही थी उस पर भी जरा ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय फोर्सेस जो हैं वो और ज़्यादा हाईटेक होने जा रही हैं, क्योंकि भारत में ही हाईटेक जो गन हैं वो बनने लगे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम वो हाईटेक गन्स हैं जिनका इस्तेमाल आगे आने वाले समय में इंडियन फोर्सेस की बात करें या पुलिस की बात करें, ये तमाम फोर्सेज जो हैं इसका इस्तेमाल आगे आने वाले समय में करेंगी। किस तरीके से ये गन है, क्या इनकी खासियत है, आइए जानते हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, सबसे पहले हम इस पिस्टल की बात करें क्योंकि इसमें आगे साइलेंसर भी लगा हुआ है, और अक्सर देखा जाता है कि जब किसी ऑपरेशन को अंजाम देने दिए जाया जाता है उस जगह पे, कई जगहों पे इस तरीके की गन की ज़रूरत पड़ती है, क्या कुछ खासियत है इसका, ज़रा हमें डेमो देकर सर। अगर सबसे पहले इसकी खासियत ये है कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ये हिंदुस्तान में बना हुआ वेपन है, मेड इन इंडिया वेपन है, जो मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत होना है, ये कदम उस तरह बढ़ाया गया है। जब भी कोई हिंदुस्तान में चीज़ बनती है तो उसके हमारे लिए अनेकों फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे को विदेशी किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए या लाइफ टाइम प्रोडक्ट सपोर्ट के लिए। स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत हो, ट्रेनिंग की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, वो इमीडिएटली उपलब्ध हो जाती है। ये मसाडा पिस्टल है, मसाडा पिस्टल बिल्कुल ग्लॉक 19 या ग्लॉक 17 की तरह लगती है, लेकिन ये उससे भी उमदा वेपन है, क्योंकि इसको मेंटेन करना एक तो बहुत ही आसान और सिंपल है, किसी भी टेक्नीशियन के लिए ये एक टेक्नीशियंस डिलाइट कहा जा सकता है। इसके अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि आप एक साइलेंसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो 25 से 30 डेसिबल साउंड लेवल को कम करता है,
दूसरा आप चाहें तो डिजिटल फ्लैश लाइट या लेजर लाइट भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी रात के वक्त अगर बात की जाए किसी ऑपरेशन को अंजाम देने की। बिल्कुल ठीक कहा आपने, रात के समय भी आप नाइट गॉगल्स को लगा के इसके डिजिटल लाइट का उपयोग कर सकते हैं और लेजर का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको नाइट गॉगल्स या नाइट में कोई डिवाइस चाहिए होगा। यानी पुलिसिंग के हिसाब से कहा जाए तो जो पुलिस होती हैं उनके लिए ये बेहद कारगर साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। नाइट में मैं एक और चीज ऐड करूंगा, इसमें ट्रीटियम साइट लगी हुई है जो रात के टाइम पर आराम से आपको एम लेने में मदद करती। ठीक है, यानी पुलिसिंग के लिए बेहद शानदार हथियार है भी, और बीएपी जो ये सेकेंडरी वेपन के तौर पे भी ये बहुत ही उपयोगी वेपन्स है, दोनों पुलिस के लिए भी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी। सर, यूजी प्रो सब मशीन गन 9mm, इसकी क्या खासियत है, कितनी मैगजीन को ये लोड कर सकता है, क्या रेंज है इसका, इस बारे में थोड़ा सा। ये यूजी वेपन एक उमदा वेपन है, खास तौर से वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक आराम से फोल्डेबल वेपन है, इसको कंसील्ड कार्बाइन कहते हैं, इसको आप अंदर छुपा के रख सकते हैं। और जरूर, और एक हथियार की खासियत ये है कि आप इसको लोड करके, पूरा इसको लोड करके और इसको रेडी पोजीशन पे अंदर रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रिप सेफ्टी दिया हुआ है। जब तक ये पूरा दबेगा नहीं तब तक आपका ये कॉक ही नहीं होगा। तो होता क्या है, जैसे ही वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए